फ्रेंड्स, ये LG की जेट स्प्रे मॉडल वाशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है LG की ये। और इसमें इन्वर्टर, स्मार्ट इन्वर्टर 8 kg में है ये इन्वर्टर मशीन है, ये फुली ऑटोमेटिक LG की टॉप लोड। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये पानी जो है कभी डायरेक्ट कर देती है और कभी पानी नहीं लेती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है कि इसमें पानी कभी आता है और कभी ये बिल्कुल पानी कट नहीं करती है, तो हम इसकी देखिए, जो इसका ऊपर का पैनल है इसको हम खोलते हैं। हमने इसको खोल लिया है। इसमें देखिए ये 2 इनलेट वाल्व लगे हुए हैं, इसको हमें बाहर निकालना है। निकालने के बाद हम दोनों पहले इनलेट वाल्व चेक करेंगे कि इनलेट वाल्व हमारे सही हैं या नहीं हैं। तो ये प्रेशर स्विच है, इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने इनलेट वाल्व दोनों चेक किए। देखिए, आपको हम चेक करके दिखाते हैं। हमने क्लैमीटर को सीरीज मोड पर रख दिया है, ये बीप भी देगा और इसमें कुछ नंबरिंग भी आएगी अगर ये सही होंगे तो। क्योंकि यदि पानी कट नहीं कर रही है या पानी नहीं ले रही है तो इनलेट वाल्व हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है, हम इसको इनलेट वाल्व इसके चेक करेंगे। देखिए, हम इसका ये पहले इनलेट वाल्व चेक कर रहे हैं। देखिए, इसमें बीप भी आ रही है और ये नंबरिंग भी शो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा इनलेट वाल्व ठीक है। अब हम दूसरा इनलेट वाल्व चेक करेंगे। देखिए, ब्लू कलर में है, इसको हम चेक करेंगे। इसमें भी बीप आ रही है और नंबरिंग भी शो कर रहा है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब हमारे इनलेट वाल्व दोनों सही हैं। अब हम इन दोनों इनलेट वाल्व को खोल के साफ़ करेंगे। देखिए, हमने इन दोनों को खोल के साफ़ कर दिया है। दोस्तों, मैंने आपको साफ़ करने का वीडियो इसलिए नहीं दिखाया है कि वीडियो लंबा हो जाता। केवल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन एकदम न्यू है। इसमें हमने इनलेट वाल्व खोल के साफ़ कर दिए। नीचे हमने देखा, लेकिन नीचे इसमें कहीं भी कोई, कई बार ये पाइप कटा होता है, चूहों को काट देते हैं, उसकी वजह से भी समस्या आती है, लेकिन वो बिल्कुल ओके है। अब हम इसको देखिए, पानी प्लग लगा के देखते हैं कि ये पानी ले रही है या नहीं ले रही है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पानी हमारा कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, अब हम इसको स्पिन मोड के बाश मोड पर डालते हैं। बाश मोड पर ये पानी लेगी और इसका लेवल हम 1 पर रख देंगे ताकि ज़्यादा पानी ना ले और हमारा जो है हम इसको चेक कर पाएँ। तो देखिए, हमने इसको, इसका वाटर लेवल 1 पे कर दिया है और बाश मोड पे इसका, जो हमने PCB से सेटिंग कर दी है इसकी। अब हम देखेंगे इसमें कि ये पानी ले रही है या नहीं ले रही है, हमारा जो इसमें फॉल्ट था वो सही हुआ नहीं हुआ। दोस्तों, इनलेट वाल्व का ही ये फॉल्ट होता है। इनलेट वाल्व अगर ख़राब होगा तब ये समस्या आती है। दोस्तों, अगर यदि आप इनलेट वाल्व चेक करना नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इनलेट वाल्व और प्रेशर स्विच पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से इनलेट वाल्व चेक किया जाता है, किस तरह से प्रेशर स्विच चेक किया जाता है। क्योंकि हमारे इस मशीन में पानी आना शुरू हो गया है, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, इनलेट वाल्व में देखिए, इसमें प्रॉपर तरीके से पानी आने लगा है। जब ये पानी पूरा ले लेगा तो पानी को ये कट कर देगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। ये देखिए, इसके दोनों इनलेट वाल्व साफ करके हमने लगा दिए और प्रॉपर तरीके से इसमें पानी आने लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।